Hello everybody, welcome to Education Point. In today's video, we want to discuss about very important question of chapter 2, reproduction in flowering plants. So don't waste our time and let's get start. सबसे पहले जो हमारे important question है वो तीन parts में divide है, जो है section A, section B and section C. अब जो section A वाला part है ये सिर्फ only 1 marks का है, जो आपको क्वेश्चन 1 marks में आने की उम्मीद है. जैसे लघु बीजाणु का बाह्य आवरण किस पदार्थ का बना होता है, एक कीट परागण या परागित पौधे का नाम लिखिए, भ्रूण पोषण कितने प्रकार का होता है नाम लिखो, पुष्प के नर और मादा जनन अंगों के नाम लिखने हैं, 2 आभासी फलों के नाम लिखने हैं, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी उस वैज्ञानिक का नाम बताना है, बहुभुवनता से आप क्या समझते हैं बिल्कुल शॉर्ट में एक लाइन में बताना है, और लघु बीजाणु धानी में पाई जाने वाली परतों के नाम बताने हैं. दूसरा सेक्शन है हमारा सेक्शन बी, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, जिसमें आपको ये सभी प्रश्न दिए गए हैं और ये 2-2 marks के हैं. इसमें आपको कन्वर्ट करना है. सबसे पहले परागकण की संरचना और सचित्र वर्णन कीजिए. नेक्स्ट अनिषेक फलन बताना है आपको क्या होता है, केंद्रीय भ्रूणपोषण या भ्रूणपोष, या फिर नेक्स्ट होता है हमारा द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन को आपको चित्र सहित बताना है. ये आपके 2 marks में आते हैं. नेक्स्ट सेक्शन सी, फर्स्ट क्वेश्चन, एक प्रारंभिक या प्रारूपिक बीजांड की सचित्र वर्णन करना है संरचना का. नेक्स्ट नामांकित चित्र की सहायता से पुष्पीय पौधों में गुरु बीजाणु जनन बताना है, और एक वेल डेवलप परागकोश की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम बनाना है. नेक्स्ट मनुष्य में भ्रूण विकास का वर्णन बताना है. तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.